लॉकडाउन के बाद होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में 12वीं बोर्ड परीक्षा के बचे पेपर मंगलवार से शुरू हुए। मंगलवार को सुबह की शिफ्ट में 9 से 12 के बीच छात्र केमिस्ट्री का पेपर देंगे, वहीं दोपहर में 2 से 5 बजे के बीच भूगोल का पर्चा होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्षों ने सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग गन, साबुन, लिक्विड सोप सहित मास्क पहनकर न आने वाले छात्रों के लिए मास्क के भी इंतजाम किए। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा बदले गए परीक्षा केंद्र व उप केंद्रों की जानकारी के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार को 100 से ज्यादा छात्रों के फोन पहुंचे। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल पूर्णतया प्रतिबंधित था, जिसके चलते जो छात्र मोबाइल लेकर केंद्र पर आ गए थे, ऐसे छात्रों के मोबाइल परीक्षा केंद्र परिसर में सुरक्षित रख दिया गया। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व SDM डीएन सिंह, CMO यशवंत राठौर ने सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। वही प्राचार्य सुरेंद्र पाटिल को सभी व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश भी दिए। SDM ने बताया कि सभी केंद्रों पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग गन, साबुन, लिक्विड सोप के इंतजाम करवाए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार के संक्रमण का डर ना रहे। वही यदि किसी छात्र छात्रा संदिग्ध लगते हैं तो उनके लिए अलग से परीक्षा देने के लिए भी कक्ष बनाए गए हैं। सिवनी मालवा में आज मेरे द्वारा नालंदा, टैगोर, उत्कृष्ट और कन्या स्कूलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सभी केंद्रों में समुचित व्यवस्थाएं हैं, बच्चों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जा रहा है और साथ में थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। टीचर्स की भी थर्मल स्कैनिंग की गई है और सैनिटाइजर वगैरह रखे हैं हाथ धोने के लिए, हाथ साफ करने के लिए, और समुचित पर्याप्त व्यवस्थाएं मेरे द्वारा अवलोकन में पाई गई। सर, अगर थर्मल स्कैनिंग में बाई चांस अगर कोई बच्चे का टेम्परेचर वगैरह में, तो उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था? उसके लिए हमने स्कूल में, सभी स्कूलों में बैठने के लिए अलग से कक्षों की व्यवस्था की है। वो फिर बच्चा सेपरेट उसी एक सिंगल कक्ष में ही बैठेगा। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी के जो प्रश्न पत्र शेष रह गए थे उनकी परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहले ये परीक्षा नहीं हुई थी और ये परीक्षा केंद्र क्रमांक 67-22 शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ हमने बच्चों को 6 फीट के डिस्टेंस से हर कमरे में बिठाया है। आज 150 बच्चे हैं तो लगभग 11 कमरों में उन्होंने बिठाया है। एक कमरे में 12-12 बच्चे बैठे हैं, किसी कमरे में 16, जो बड़ा कमरा है। और यहाँ पर बच्चों की गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग की गई है, साथ में हैंड सैनिटाइजर भी गेट पे किया गया है और सभी कक्षों को नगर पालिका के द्वारा सैनिटाइज किया गया है और परीक्षा के बाद भी उनको सैनिटाइज किया जाएगा। जिन बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की गई है उनका विधिवत रिकॉर्ड रखा है कि किसका कितना परसेंट है और उसके आधार पर उन्हें कक्ष में प्रवेश दिया गया है। साथ ही यदि परीक्षा केंद्र में कोई बच्चा ऐसा आता है जो COVID-19 के तहत संक्रमित है या किसी प्रकार से है तो उसके लिए अलग निर्देश हैं शासन के, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।